एपीएमसी हमीरपुर के चेयरमैन अजय शर्मा ने आज नागरिक अस्पताल सुजानपुर में प्रदेश सरकार द्वारा कोविड-19 से संक्रमित मरीजों को दी जाने वाली होम आइसोलेशन किट को लॉन्च किया। इस अवसर पर उन्होंने विभाग के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए कि होम आइसोलेशन किट को कोविड-19 मरीजों के घर जाकर उन्हें दें और ये सुनिश्चित करें कि इस किट में दी गई विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्यवर्धक वस्तुओं का उपयोग मरीजों द्वारा किया जाए ताकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई जा सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इस वैश्विक महामारी से लड़ने का भरपूर प्रयास कर रही है और समाज को भी उतना ही सहयोग करना चाहिए जिसकी वे अपेक्षा कर रहे हैं, तभी इस लड़ाई से जीता जा सकता है। उन्होंने महामारी से जूझ रहे लोगों को इस समय में धैर्य से काम करके आगे बढ़ने का आग्रह भी किया। अजय शर्मा ने कहा कि होम आइसोलेशन किट का कोरोना रोगी भरपूर लाभ उठाएं, ऐसा वे उनसे आग्रह करते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना एक वैश्विक महामारी है जिसके लड़ाई समस्त देश लड़ रहा है। लोगों से आग्रह करते हुए उन्होंने कहा कि मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग अवश्य करें, हाथों को लगातार साबुन से धोएं एवं आवश्यक होने पर ही अपने घरों से बाहर निकलें। सरकार के द्वारा समय समय पर दिए जा रहे दिशा निर्देशों का भी पालन करें। आज हमने सुजानपुर नागरिक अस्पताल में एसडीएम शिल्पी वेक्टा जी के साथ प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान जयराम ठाकुर जी के द्वारा हाल ही में कोविड-19 के मरीजों के लिए जारी की गई होम आइसोलेशन किट लॉन्च की है। बीएमओ डॉक्टर रमेश डोगरा के माध्यम से हमारा आग्रह है अपना स्वास्थ्य विभाग के कार्यकर्ताओं से एवं आशा वर्कर से कि वे शीघ्र अतिशीघ्र इस होम आइसोलेशन किट को कोविड-19 से जूझ रहे मरीजों के घर तक पहुंचाना सुनिश्चित करें ताकि उन मरीजों को इसका भरपूर लाभ मिल सके। इस होम आइसोलेशन किट में विभिन्न प्रकार की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की दवाइयां हैं, च्यवनप्राश है, काढ़ा है, मास्क है, सैनिटाइजर है, इस प्रकार की बहुत सी चीज़ें इसमें उपलब्ध हैं और एक मार्गदर्शिका भी इसमें दी गई है, उन चीज़ों को प्रयोग करने की विधि उसमें दर्शाई गई है। तो मेरा आग्रह है कोविड-19 से जूझ रहे सभी मरीजों से भी कि वे अधिक से अधिक इसका लाभ उठाने का प्रयास करें ताकि हम सब मिलकर के कोरोना की इस वैश्विक महामारी की लड़ाई को जीत सकें।